आलू को उबालते हैं और ये फट जाती है। फटने के बाद इनके अंदर पानी चला जाता है, तो जब हम ये कचौड़ी बनाते हैं या आलू के पराठे बनाते हैं तो वो अच्छे से नहीं बन पाते क्योंकि उनमें गीलापन चला जाता है। तो आज मैं ऐसी विधि बताने वाली हूँ जिससे आलू फट तो जाएंगी, क्योंकि जब बॉयल होंगी तो फटेंगी ज़रूर वो, और फटने के बाद भी वो उनमें गीलापन नहीं आएगा। तो अगर इस समस्या से जूझ रही हैं तो ये वीडियो आपके लिए है और इसे अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूँ ममता, आप देख रहे हैं चुंडी विद कुक। तो यहाँ पर मैंने हाफ के जी आलू लिया है लगभग, और इनको अच्छे से साफ़ कर लिया है। साफ़ करने के साथ साथ हमेशा ये चीज़ भी याद रखिएगा, क्योंकि आलू जब हम बॉईल करें ना तो एक साइज की लीजिएगा, क्योंकि एक साइज की लेंगे ना तो बराबर अच्छे से बॉईल हो जाती है। अगर कोई छोटी होती है या कोई बड़ी होती है तो वो कभी कभार क्या होता है वो कच्ची रह जाती है। इसलिए हमेशा भी बड़ी बॉईल करनी है तो बड़ी एक इकट्ठा ले लीजिए एक ही साइज़ की, या छोटी करनी है तो छोटी ले लीजिए। यहाँ पर मैंने एक साइज की ले लिया है आलू, और यहाँ पर एक ले लिया है अपना जो किचन का टॉवल होता है वो ले लिया है, या फिर इस तरह का आपका टॉवल नहीं है तो कोई भी मोटा कपड़ा लेना है कॉटन का। और उसमें लेने के बाद मैंने अपनी सारी आलू को इसके अंदर कवर कर लिया है, और कवर करने के बाद हम इसमें डालने वाले हैं पानी, नॉर्मल पानी, जैसे हम हमेशा आलू को बॉयल करते हैं। तो हम जब भी आलू बॉयल करते हैं तो अपने हिसाब से डाल लेते हैं, तो मैंने भी जब 1 किलो बॉयल करते हैं तो लगभग उसमें 1 गिलास पानी डालते हैं, तो लगभग हाफ के जी थी ये, और उसमें मैंने आधा गिलास पानी डाल दिया है। पानी डालने के बाद हम इसको गैस पर रख देंगे। गैस पर रखने के बाद हम इसे मीडियम आंच पर पकाने वाले हैं। तो जैसे हमेशा मीडियम आंच पर आप पकाते हो, जितनी सीटी आप लगाते हो उतनी ही सीटी इसमें लगानी है, ज़्यादा तेज़ नहीं करना है फ्लेम को, नहीं तो फिर वो पकेंगे नहीं और पानी पहले ही जल जाएगा। और इस तरह से मैंने अब आलू को बॉईल कर लिया है। अब बॉईल करने के बाद हम खोल करके आपको दिखाने वाले हैं। ये देखिए अभी धुआं निकल रहा है इसमें। और हाँ, एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, जो भी कपड़ा इसमें आप लपेटे तो उसमें कलर ना छूटता, क्योंकि जब वो गर्मी पे आएगा ना, गर्म हो जाएगा ना, तो वो और कलर छोड़ता है। तो इस तरह से कोई रंगीन कपड़ा मत लीजिएगा। और ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ निकाल करके, ये देखिएगा कितनी सूखी हुई है और बिल्कुल पानी इसके अंदर नहीं गया हो गया। ये तो खैर चलो फटी नहीं है अभी, मैं अभी आपको दूसरी फटी हुई आलू दिखाऊंगी कि फट तो गई है लेकिन उसमें पानी नहीं गया होगा। तो ये देखिए अभी मैं इसको तोड़ करके दिखा देती हूँ। काफ़ी गर्म है क्योंकि अभी अभी मैंने कुकर को खोला हुआ है। और इस तरह से जब गैस पूरी तरह से निकल जाए इसकी तभी कुकर को खोलना है। अब मैं सारे आलू को इसी प्लेट में निकाल लेती हूँ और उसके बाद देखती हूँ कि कौन कौन सी आलू फटी हुई है और कौन सी नहीं फटी हुई है। तो इस तरह से ये देखिए सारे आलू मैंने निकाल लिया है। ये देखिए फट तो गई है लेकिन बिल्कुल पानी उसके अंदर नहीं गया हुआ है। तो है ना बढ़िया तरीका, इस तरह से एक बार जरूर ट्राई करिएगा। करती हूँ ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।